तो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं माय मैकेनिकल सपोर्ट। गाइज, मैं आपको एक फ्रेश कमाल वीडियो से अवगत कराऊंगा, एक इंजीनियर के नजरिए से दिखाऊंगा कि बजाज प्लेटिना एच में क्या कुछ खास बातें हैं, क्या क्या चीज आपको जो है वो डीमोटिवेट करती है इस बाइक को खरीदने के लिए। सबसे पहले फ्रंट में देखते हैं तो फ्रंट में आपको मिल जाते हैं एलईडी डीआरएल को, जो कि काफी अट्रैक्टिव बनाते हैं इस बाइक को। अगर ग्राफिक्स पे देखते हैं तो ग्राफिक्स काफी ज्यादा नॉर्मल है, कोई ज्यादा इसमें जो है वो एक्स्ट्रा कुछ करने की कोशिश नहीं किया गया है। चलिए हम एक इंजीनियर के नजरिए से हर एक फीचर को जान लेते हैं कि क्या चीज प्रो और कॉन्स क्या क्या इस बाइक के हैं, क्यों आपको लेने चाहिए और क्या आपको नहीं लेना चाहिए। सारी चीजें आपको वीडियो में मिल जाएंगे। सबसे पहले हम लोग इंजन पर नजर डालते हैं, चूंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंजन ही होता है। अगर बात कर ले इसके इमिशन स्टैंडर्ड की, तो ये BS4 की बाइक है। BS6 भी हालांकि मार्केट में लॉन्च हो चुका है, लेकिन BS4 भी ये जो मॉडल है वो भी चल रहा है, और 1 अप्रैल से पहले तक इसका रजिस्ट्रेशन भी होता है बिल्कुल आराम से, और काफी ज्यादा डिस्काउंट भी चल रहे हैं। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्या कुछ खास बातें हैं प्लेटिना एच गियर की और क्या कुछ जो है वो निगेटिव बातें हैं। डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं, इसकी 115 सीसी का जो है वो डिस्प्लेसमेंट दिया गया है। साथ ही साथ अगर बात किया जाए नंबर ऑफ सिलेंडर का, तो सिंगल सिलेंडर बाइक है ये। अगर मैक्सिमम पावर की बात किया जाए तो 8.5 ब्रेक हॉर्स पावर की ये पावर जनरेट करती है 7000 आरपीएम पे। वही मैक्सिमम टॉर्क की बात किया जाए तो 9.81 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करती है 5000 आरपीएम पे। वहीं अगर वाल्व की बात किया जाए तो 2 वाल्व दिए गए हैं, एक इंटेक है और एक एग्जॉस्ट है। अगर बात किया जाए तो फ्यूल डिलीवरी सिस्टम का, तो इसमें कार्बोरेटर का यूज किया गया है, फ्यूल टाइप पेट्रोल है जैसा कि आपको पता ही है। इग्निशन की बात किया जाए तो डिजिटल ट्विन स्पार्क इग्निशन लगाया हुआ है, 2 स्पार्क प्लग इस सिंगल सिलेंडर में लगाए गए हैं। वहीं अगर कूलिंग सिस्टम की बात किया जाए तो इसमें जो है वो एयर कूल्ड सिस्टम का यूज किया गया है। गियर बॉक्स बिल्कुल मैनुअल है। नंबर ऑफ गियर की बात किया जाए तो 5 है। ट्रांसमिशन सिस्टम चैन ड्राइव है, और क्लच की बात किया जाए तो वेट मल्टी प्लेट क्लच है। अब चलिए हम लोग ब्रेक और सस्पेंशन सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। इसी सेगमेंट में हम लोग प्राइस के बारे में भी जान लेंगे। 2 वेरिएंट में बाइक लॉन्च किया गया है, एक ड्रम है और डिस्क है। ड्रम वाले का प्राइस की अगर बात किया जाए तो 53,000 के अराउंड में है। वहीं डिस्क वाले की बात किया जाए तो उसमें 56 तक आपको रेंज ले जाना होगा। सस्पेंशन की अगर बात किया जाए तो फ्रंट सस्पेंशन टेलीस्कोपिक 135mm का दिया गया है। वहीं रियर सस्पेंशन की बात किया जाए तो 110 विद नाइट्रोक्स गैस कनिस्टर के साथ दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, डायमेंशन और कुछ वेट इसके जान लेते हैं। वेट की अगर बात किया जाए तो 118 केजी का इसकी इस बाइक की पूरा जो है वो वेट है। वहीं अगर स्पीडोमीटर की बात किया जाता है तो डिजिटल स्पीडोमीटर आपको इसमें प्रोवाइड किया जाता है, ऑडोमीटर भी डिजिटल है। ब्रेकिंग सिस्टम की बात किया जाए CVS है। सीट की बात किया जाए तो काफी कंफर्टेबल सीट आपको मिलते हैं। स्टार्ट की अगर बात किया जाए तो आपको दोनों वेरियंट जो है वो इलेक्ट्रिक स्टार्ट में भी उपलब्ध है। इलेक्ट्रिक सिस्टम की बात किया जाए तो 12 वोल्ट का DC बैटरी इसमें जो है वो लगाया गया है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि